नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो कि हमने अक्षय तृतीया की पूजा कैसे की है, तो मैंने आपको कल बताया था कैसे हमें लक्ष्मी नारायण जी की, लक्ष्मी गणेश जी की, स्वर्णाभूषणों की पूजा करनी चाहिए। तो ये आज हमारा पूजा है। हमने आज कुबेर जी को भी पूजन में बिठाया है, क्योंकि कुबेर जी को अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें धन का भंडार मिला था। तो जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्मी गणेश जी भी विराजमान हैं, साथ में माता सरस्वती भी। हम तीनों की एक साथ पूजा करते हैं दोस्तों, और लक्ष्मी नारायण जी की भी हमने स्थापना की है। तो इस तरह से हमने अपने पूजा स्थल में, आज जहाँ पे हम खास पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल हमने लक्ष्मी नारायण की स्थापना कर ली है। और क्योंकि आज चंदन महोत्सव है, तो हमने चंदन विलेपन भी किया है अपने ठाकुर जी को, अपने बाल कृष्ण वासुदेव को और राधा कृष्ण की मूर्ति को, और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को भी हमने चंदन विलेपन किया है। कितने मनमोहक दिख रहे हैं, देखिए दोस्तों। और चंदन का श्रृंगार करने के बाद पूरा हमने अभी इनका श्रृंगार भी किया है। ये हमारे छोटे से राधा कृष्ण की मूर्ति का हमने चंदन विलेपन किया है हमने, और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को भी हमने नए वस्त्र पहना दिए हैं। तो आज ये अक्षय तृतीया में नए वस्त्र, ये वस्त्र वृंदावन से आए हैं दोस्तों। और ये सुंदर से हमारा पूजा का स्थल बिल्कुल पावन लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था, हमने सफ़ेद रंग के गुलाब आज मैंने अर्पित किए हैं भगवान को, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद रंग के गुलाब अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। तो इस तरह से आप भी पूजा की तैयारी कर सकते हैं, जब भी आप अक्षय तृतीया की पूजा करें, या अगर आप चाहें तो दिवाली में भी इस तरह से आप बिठा सकते हैं, क्योंकि या किसी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा पूर्णिमा के दिन भी होती है, एकादशी के दिन भी होती है भगवान श्री नारायण की पूजा। तो इस तरह से हमने पूजा की है। हमने पूजा में भगवान को फल में हमने जो ऋतु फल है, आम है, जाम्बू फल है, और ठंडा प्रदान करने वाला जो खीरा है वो अर्पित किया है। और हमने साथ में मिठाई भी अर्पित की है भगवान के भोग के लिए। पंच दिए से आरती भी हम करेंगे, और हमने सिंपल मंत्रों से, पंचोपचार से भगवान की पूजा की है आज। जैसे गणेश जी के लिए ओम गंग गणेशाय नमः, श्री नारायण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री महालक्ष्मीयै नमः। माँ लक्ष्मी के लिए ये मंत्र हमने उसका जाप किया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया है। तो सिंपल मंत्रों से हमने पूजा की है आज, और आप भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं सिंपल मंत्रों से। और दोस्तों, किसी भी पूजा में अंत में अगर पूर्ण लाभ उठाना हो तो अच्छे से आरती कर लीजिए, भगवान के चारों तरफ दिया प्रज्वलित करके आरती कीजिए पंच दिए से, तो आपकी पूजा पूर्ण होती है। हमने हल्दी कुमकुम पुष्प वस्त्र चंदन और अंततः मंगल निरांजन यानी आरती से अपनी पूजा संपन्न करी। आइए आरती का लाभ के दर्शन लें, और जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप आरती ज़रूर देखें, और बहुत ही मनोहारी ये दृश्य लग रहा है, आरती का आप आनंद उठाएं दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।